दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये देश डायमंड्स का खजाना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश काफी गरीब है। इस देश को गुलामों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है सिरा लियोन। ये देश वेस्ट अफ्रीका में बसा हुआ है और ये एक छोटा देश है। देश की पॉपुलेशन लगभग 90 लाख के करीब है, जिसमें से 77% आबादी मुस्लिम धर्म को मानती है, और वही इस देश में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में आते हैं। इस देश में क्रिश्चियन की आबादी 22% है। दोस्तों, बाकी कट्टर धार्मिक देशों की तुलना में इस देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के त्योहारों में इन्हें बराबर की छुट्टियां दी जाती है, जो इस देश की एक अच्छी बात है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सम्मान से रहते हैं और इसी वजह से इस देश में धर्म के नाम पर कभी भी कोई विवाद नहीं होते। दोस्तों, सिरा लियोन एक काफी खूबसूरत देश है। यहाँ बेहतरीन बीचेस, शानदार वन जीवन, जंगलों की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को कोई भी कमी नहीं है, और यही इस देश की चीजें हैं जो आपको काफी पसंद आएगी। बस इस देश की एक ही चीज है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो है यहाँ की गरीबी। यहाँ के काफी लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और इसका एक ही कारण है यहाँ का सिविल वॉर, जो कि 1991 से लेकर 2002 तक चला था। इस सिविल वॉर की वजह से इस देश की इकोनॉमी काफी पीछे रह गई है और उसी वजह से इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है। इस देश का GDP भी सिर्फ $15 बिलियन है। दोस्तों, इस देश में कॉटन ट्री फ्री टाउन नाम के एक काफी पॉपुलर प्लेस है, जिसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक कपास का पेड़ दिखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि जब 1792 में फ्रीड स्लेव्स फ्रीटाउन आए थे, तब वो इस पेड़ के पास आए थे और उन्होंने यहाँ प्रार्थना भी की थी। दोस्तों, इस पेड़ को सिरा लियोन का सबसे पुराना पेड़ भी कहा जाता है। इस देश के लोग अक्सर इस पेड़ के पास आकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जब आप सिरा लियोन के फ्लैग्स देखोगे तो वो आपको दिखने में बहुत ही कॉमन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, इस देश के फ्लैग में कई मैसेजेस छिपे हुए हैं। इस फ्लैग में हमें 3 कलर दिखने को मिलता है, जिसमें पहला रंग है हरा, जो कि इस देश का राष्ट्रीय संसाधन, पहाड़ और देश के एग्रीकल्चर का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद आता है सफेद रंग, जो कि न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, और लास्ट में नीला रंग, जो कि देश का बंदरगाह और विश्व शांति में योगदान के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है। दोस्तों, आपके भी दिमाग में ये सवाल आया होगा, सिरा लियोन इस नाम का मतलब क्या है? दोस्तों, सिरा लियोन इस नाम का मतलब होता है लायन माउंटेन, और ये वर्ड पोर्टुगीज शब्द सिरा लियो से आया है। इस देश को सिरा लियोन ये नाम पोर्टुगीज रिसर्चर पेड्रो दा सेंट्रा ने दिया था, जो कि 15वीं सेंचुरी में वेस्ट अफ्रीका कोस्ट पर नौकाएं करने वाले सबसे पहला यूरोपियन लोगों में से एक थे। ये देश गुलामों का देश हुआ करता था, खासकर अफ्रीकन गुलामों का, लेकिन फिर 1961 में इस देश को यूके से आजादी मिली, जिसकी वजह से इस देश के गुलामों को आजादी की जिंदगी जीने का मौका मिला और उन्होंने ही इस देश के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल इस देश की राजधानी है फ्री टाउन सिटी, जो कि इस देश के एक बड़ा हिस्सा है, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस देश का दसों ने इस शहर में अपने घर बसाए थे और उन्होंने ही इस देश के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसी वजह से इस शहर को काफी अनोखा शहर माना जाता है। दोस्तों, डायमंड सिरा लियोन की पहचान माना जाता है। इस देश में समृद्ध संसाधन के रूप में डायमंड्स है। देश में कई सारी डायमंड्स के खदाने हैं और इसी वजह से यह देश काफी बड़े पैमाने पर हीरे की एक्सपोर्ट करते हैं। साल 2022 में इस देश का डायमंड प्रोडक्शन 70,000 कैरेट था। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हीरे भी इस देश में है। तो दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत ही कम खर्चा लगेगा। इस देश की करेंसी का नाम है सिरा लियोनियन लियोन, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीस की तुलना में काफी कम है। 15 दिनों में आपको इस देश का वीजा भी मिल जाएगा और यहाँ आपको एक हफ्ता घूमने के लिए लगभग 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में आपको एक बहुत स्पेशल देश के बारे में बताने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।